गन पॉइंट पर मुझसे निका नामे पे साइन करवाया है। घर पे जाने के बाद बहुत ज्यादा मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। फिल्मी तर्ज की लव स्टोरी में भारतीय हाई कमीशन विलन बन गया। मलेशिया में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर पर दिल हारने वाली भारतीय नारी खुद पाकिस्तान आई, मर्जी से शादी की, भारत वापसी का वीजा लेने पहुंची तो मोहब्बत दुश्मनों के झांसे में आकर बयान बदल दिया। ताहिर शादीशुदा और चार बच्चों का बाप था, जबरदस्ती दस्तखत कराए गए। डॉक्टर उज्मा का बयान झूठा निकला। 24 न्यूज मर्जी से निकाह की फुटेज सामने ले आया। साबित हो गया सरफराज की तरह ताहिर ने भी धोखा नहीं दिया। नौजवान का कहना है शादी और बच्चों का पहले बताया था। फंड्स खुर्द बुर्द केस में तहरीक इंसाफ का मौकिफ मुस्तरद। इमरान खान को जवाब के लिए आखिरी मोहलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि तौहीन अदालत का मामला बाद में देखेंगे। तहरीक इंसाफ और नून लीग में कानूनी जंग। पीटीआई नवाज लीग की फंडिंग अदालत ले जाने पर तैयार। 10 अरब की पेशकश के इल्जाम पर शहबाज शरीफ का कप्तान को हर जाने का नोटिस। ऑफशोर कंपनी कैसे बनाई, बेनिफिशियल मालिक कौन है, क्या सरमायाकारी टैक्स बचाने के लिए की, सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान से सवालात। चीफ जस्टिस का कहना है किसी का सादिक व अमीन ना होना बहुत बड़ा धब्बा है। पनामा जेआईटी का पहला दिन, टीओआर पर मुशावरत, एफआईए के माहिर अफसर की खिदमत तलब। ड्रोन कैमरों से कवरेज पर अराकीन बरहम। न्यूज लीक्स नोटिफिकेशन पर मुशावरत के लिए वजीर आजम से वजीर दाखला की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मनाने के लिए राबते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम रहनुमाओं को जिम्मेदारी सौंप दी। ख्वाजा तारिक नहीं मुतहरिक किरदार अदा करने पर तैयार। चमन में गोलाबारी से जख्मी बच्ची दम तोड़ गई। वालिदा पहले दिन शहीद हो गई थी। बॉर्डर पर तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। पैदल आना जाना भी बंद। फायरिंग रुकने पर मर्दमशुमारी का अमल दोबारा शुरू। सरहदी इलाकों में जियोलॉजिकल सर्वे का आगाज। पिशावर में दो बम धमाके, चार अफराद जख्मी। स्कूल के बाहर एक बम नाकारा बना दिया गया। फोर्सेस का ऑपरेशन तेज। मर्दान और खैबर एजेंसी से असलहे की खेप बरामद। 35 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कराची उर्दू बाजार में रेंजर्स से मुकाबले में हलाक दहशतगर्द जाहिदुल्ला की तस्वीर 24 न्यूज ने हासिल कर ली। औरंगी में भत्ता ना देने पर टाइम बम धमाका। बम रखने वाला शख्स सीसीटीवी फुटेज में सामने आ गया। मोबाइल फोन रिकॉर्ड ने हकीकत बयान कर दी। वाईडीए रहनुमा डॉक्टर अल्तमश के खिलाफ गुर्दा स्कैंडल में ठोस शवाहिद मिल गए। 6 महीने पहले दो मरीज हलाक हुए। पैवनकारी की फीस 13 लाख ली जाती। एजेंट सफिया ने मैजिस्ट्रेट के सामने कई राज उगल दिए। सिंध में खुलेआम नकलेआम। कराची में फिजिक्स घोटकी में इस्लामियात का पर्चा आउट। कमिश्नर का इम्तिहानी मराकज से गैर मुतल्लिका अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। मोबाइल फोन पर पाबंदी आयद। साई के कपड़े भी साई, साई की गाड़ी भी साई, साई के सिगरेट भी साई। थाने में गुंडागर्दी करने वाले वडेरे जैद तालपुर की बलूचिस्तान हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर। जैद का कहना है मामले का एक रुख दिखाया गया। नेपरा को कंट्रोल करने की तैयारी मुकम्मल। चेयरमैन और मेबरान की तरह तकरूरी का तरीकाकार तब्दील। अहलियत के लिए भी तब्दीली की सिफारिशात। तरामीम को पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाएगा। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। दादू का पारा 49 तक जा पहुंचा। कई इलाकों में 48 सेंटीग्रेड की गर्मी। बिजली की तरफ 20,800 शॉर्ट फॉल 5,633 मेगावाट हो गया। रमजानुल मुबारक से पहले ही मुनाफाखोर माफिया सरगर्म। महंगाई का तूफान। मार्केटों में अशिया की कीमतें बढ़ गई।
स्पॉट फिक्सिंग का नया खिलाड़ी निकल आया। मोहम्मद नवाज को भी नोटिस। खालिद लतीफ ने बोर्ड के शवाहिद और एंटी करप्शन यूनिट को रिकॉर्ड कराया गया बयान चैलेंज कर दिया। इक्तदार में फैशन के जलवे, मॉडल्स ने रैंप पर मलबूसात के नए नए रंग बिखेरे।